Now be recorded. There was some queries from the students regarding marking of test. ठीक है, उसमें कुछ students curious थे कि उनके number क्यों कटे हैं, like अगर 3 marks का question है तो 1.5 क्यों मिला है, अगर 4 marks का है तो 2 क्यों मिले हैं. उसमें I would like you to understand one thing कि जो आपकी marking scheme है ICAP की, वो is except of the question where you are asked to provide a list, for example, या सिर्फ आपने one word answer देने हैं. इन क्वेश्चंस के अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी 100% क्रेडिट नहीं मिलेगा. और मैंने खुद टीए को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आपकी थोड़ी सी मार्किंग जो है वो टाइट करें. फॉर एग्जांपल, जो जो मार्क्स आपको मिले हैं, अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आईकैप के पेपर में होता और यही क्वेश्चन आपने वैसे ही अटेम्प्ट किया होता, तो आपको उसमें डेफिनेटली दो दो तीन तीन नंबर ज़्यादा मिलते. ठीक है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है. इफ यू हैव स्कोर्ड 70+ इन द टेस्ट, इट मीन्स यू आर ऑन सेफर साइड. If you have scored between 50% and 70%, ensuring कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, फिर भी 50 और 70% के दरमियान आए हैं, then you should be discussing it with me. और अगर 50% below है, तो it means that there was some serious conceptual deficiency. कोई ना कोई serious conceptual deficiency थी उसके अंदर. ठीक है? Got it? ओके, सो कहाँ थे हम? वी डिस्कस्ड रोल्स ऑफ मैनेजर्स पे बात हो गई थी ना हमारी कल. हमने कल रोल्स डिस्कस कर लिए थे, हमने कल आउची को भी डिस्कस कर लिया था. ओके, वी हैव टू टॉक अबाउट मैकग्रेगर. मैंने मैकग्रेगर को इंट्रोड्यूस करा दिया था और मैंने कहा था कि हम मैकग्रेगर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. तो आज हम मैकग्रेगर को डिस्कस करते हैं और आज हम अपने ओ एम के टूल्स स्टार्ट कर देंगे. ऑपरेशन रिसर्च के टूल्स हम आज डिस्कस करना शुरू कर देंगे. कल हम ओआर के टूल्स वाइंड अप करेंगे और मंडे को हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह. फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपकी थोड़ी सी बेसिस जो है, बुनियादें आपकी थोड़ी सी बढ़ानी होती हैं, बिल्ड करनी होती हैं. तो दैट्स वाई फर्स्ट चैप्टर टेक्स अ बिट लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, ओके. So let's talk about McGregor. Who was McGregor? What did he do? इसने क्या किया था? Douglas McGregor ने किताब लिखी थी Human Side of Enterprise. Like McGregor ने कहा था कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, वो जो थेरी एक्स से बिलोंग करते हैं और एक वो जो थेरी वाई से बिलोंग करते हैं. थेरी एक्स के जो लोग होते हैं, दे आर द पीपल हु आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क. दे आर द पीपल who need to be pushed towards work. इनको push करना पड़ता है काम की तरफ. ये काम में interested नहीं होते, ये खुद मेहनत से input नहीं करते काम में. इनके लिए हमें डंडा उठाना पड़ता है. ठीक है, so theory X वालों के लिए आपको authoritarian style चाहिए होता है. authoritarian style का मतलब होता है ऐसा style जिसमें आप push करें, ऐसा style जिसमें आप किसी को forcefully किसी से काम करवाएं. तो इसके अंदर जो मैनेजर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है वर्कर्स को. ही एक्सप्लेन्स देम व्हाट टू डू. वर्कर्स को मैनेजर एक्सप्लेन करता है, टेल्स देम व्हाट टू डू. थ्योरी एक्स अप्रोच इन अजम्पशंस पे बेस करती है. दीज आर द अजम्पशंस ऑफ थ्योरी एक्स. नंबर वन, कहते हैं एवरेज पर्सन डिसलाइक वर्क. थ्योरी एक्स के मुताबिक एक एवरेज इंडिविजुअल जो है वो काम को पसंद नहीं करता एंड विल अवॉइड हैविंग टू डू एनी ऑफ इट इफ पॉसिबल. और जहां मौका मिलता है वहां पे डंडी मारता है और काम को अवॉइड करता है. थ्योरी एक्स के लोगों को देयरफॉर फोर्स करना पड़ता है काम की तरफ और जहां तक हो सके पनिशमेंट का थ्रेट करना पड़ता है. इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली यू हैव टू थ्रेट देम टू पनिश. एवरेज पर्सन प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड बिकॉज एवरेज पर्सन अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवरेज पर्सन जो है वो जिम्मेदारी को अवॉइड करता है तो उसको पुश करना पड़ता है काम की तरफ. यू हैव टू पुश द पर्सन टू वर्क. इसका कोई एम्बिशन नहीं होता. ही हैज नो एम्बिशन. ही वांट्स सिक्योरिटी मोर देन एनीथिंग एल्स. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बस मेरी नौकरी लगी रहे, मुझे मेहनत ना करनी पड़े. जैसे एक एवरेज स्टूडेंट की हमारे यहाँ पे मेंटालिटी होती है, पढ़ना ना पड़े, पास हो जाऊं. वेरी सिंपल ना. हम वैसे कितने ही हैं ऐसे जो ये सोचते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि बस यार मेहनत ना करनी पड़े और सीए हो जाए. बट इट नेवर हैपेंस, इट सेल्डम हैपेंस. तो जिस दिन आपको यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे, उस दिन लें आपका तरक्की का सफर शुरू हो जाएगा. रिमेंबर दिस.
the day you would transform, or the day you would yourself from theory X portion to theory Y portion, you would be beginning the journey of success. Theory Y के जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो participative management style से काम करते हैं. हमने पहले भी बात की थी participative management की, कि इन लोगों को आप involve करते हैं decision making के अंदर. Participative management style का मतलब होता है to involve the people in the process of decision making. Okay? आपको आवाज आ रही है मेरी? आई गेस मेरा सिस्टम होल्ड हो रहा है. ओके, जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आई गेस माय सिस्टम इज ओवरलोडेड विद एप्लीकेशंस, सो आई जस्ट नीड टू क्लोज फ्यू. That's why the file is not responding. Okay, जो theory Y के जो लोग होते हैं, अभी ये screen check होगी आपके सामने, it will take a few moments. Theory Y के जो लोग होते हैं, ये participative management से काम करते हैं. इन्हें पुश नहीं करना पड़ता, यू डोंट नीड टू पुश देम. ये आप इन्हें पार्टिसिपेट करवाते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर. थ्योरी वाई की जो अजम्पशंस है वो क्या है, कि लोग काम में खुद मेहनत करते हैं. दे टेक वर्क एज नेचुरल एज प्ले. जैसे आपने थ्री इडियट्स देखी है, आपने, हैव यू वॉच्ड दैट मूवी थ्री इडियट्स? उसमें आमिर खान का बड़ा पॉजिटिव रोल दिखाया है. आमिर खान कहते हैं कि काम जिंदगी में वो करो जो करने में मजा है, फिर काम काम नहीं लगेगा, वो खेल बन जाएगा. सो दैट इज दिस एग्जैक्ट दिस फिनोमेना. आमिर खान ने भी कहीं थ्योरी वाई पढ़ी है मैकग्रेगर की, तभी वो इस पॉइंट को डिबेट करता है कि व्हेन यू लव समथिंग यू डू, यू विल डू इट एज यू आर प्लेइंग विद इट. फिर आप क्या करते हैं, फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. यू आर सेल्फ डायरेक्टेड, यू सेल्फ कंट्रोल द, यू नो, आप अपना सेल्फ कंट्रोल खुद डिफाइन करते हैं. आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो खुद डिफाइन होते हैं. यू डोंट नीड कांस्टेंट सुपरविजन, आपको कांस्टेंट सुपरविजन नहीं चाहिए होती. आपकी जो स्ट्रेंथ होती है कमिटमेंट की टू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद अचीविंग दोस ऑब्जेक्टिव्स. तो थ्योरी वाई को लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमें रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं. वी नीड रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट द पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम थ्योरी वाई. आगे जाके पढ़ेंगे सेवन चैप्टर में. बेसिकली मैकग्रेगर की जो थ्योरी है ना, इट इज मोर ऑफ अ मोटिवेशनल थ्योरी रादर देन मैनेजमेंट थ्योरी. इसको पढ़ाया मैनेजमेंट थ्योरी की सेंस में जाता है, लेकिन ये थ्योरी जो है दैट इज एक्चुअली अ मोटिवेशनल थ्योरी. और इस थ्योरी को हम दोबारा जाके रिविजिट करेंगे सेवन चैप्टर के अंदर. वी विल बी रिविजिटिंग दिस थ्योरी इन द सेवन चैप्टर. वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह हम लोगों को मोटिवेट करते हैं थ्रू सम नेगेटिव फैक्टर्स एंड सम पॉजिटिव फैक्टर्स. नेगेटिव फैक्टर्स जो होते हैं वो नेगेटिव मोटिवेशन लेके आते हैं, और पॉजिटिव फैक्टर्स जो है पॉजिटिव मोटिवेशन लेके आते हैं. सो इंडिविजुअल्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और सीक करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडिविजुअल्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एक एवरेज इंडिविजुअल जो होता है, ही वुड लाइक टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वुड लव टू वर्क अगेंस्ट वट एवर टास्क वी हैव गिवन टू हिम. उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेगा. ठीक है. इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल एवरेज पर्सन का जो होता है, दैट इज ओनली पार्टली यूटिलाइज्ड. थ्योरी वाई ये बिलीव करती है कि वर्क प्लेस के ऊपर जो आपका एवरेज एम्प्लॉई है उसका जो इंटेलेक्ट है वो पार्टली इस्तेमाल हो रहा है. पीपल हैव मोर कैपेसिटी, पीपल हैव मोर पोटेंशियल टू डू समथिंग बियॉन्ड देयर करंट परफॉर्मेंस. लोगों के पास उससे ऊपर भी जाके परफॉर्म करने की कैपेसिटी मौजूद है. ठीक है. सो दिस इज दीज आर सम ऑफ द की अजम्पशंस ऑफ थ्योरी वाई. पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि इम्प्लीकेशंस क्या हैं थ्योरी मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की. और थ्योरी वाई जो है वो किस सिचुएशन में इस्तेमाल होती है, और थ्योरी एक्स जो है वो किस सिचुएशन में इस्तेमाल होती है. सो दैट वाज द क्वेश्चन इन द पेपर कि हाउ डू मैनेजर्स यूज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. थ्योरी वाई जो है दैट इज कंसिस्टेंट विद पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, जैसे अभी डिस्कस किया हमने, जहाँ पे मैनेजर्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज को दे देते हैं और उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो खुद डिसीजन मेकिंग करें.
ठीक है ना। अब वर्कप्लेस पे हम दोनों थियरीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाउ डू वी यूज बोथ ऑफ द थियरीज एट द वर्कप्लेस। वर्कप्लेस के ऊपर दोनों थियरीज को हम साइड बाय साइड लेके चलते हैं। अलोन एक थियरी पे फोकस करना जो है वो इतना कोई इफेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम फ्लोर की बात करें, फैक्ट्री फ्लोर की बात करें, लेबर की बात करें, तो लेबर के साथ डील करने के लिए थियरी वाई माइट नॉट बी एडवाइजेबल, स्पेशली जब आप फैक्ट्री एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं तो थियरी वाई इज नॉट एडवाइजेबल इन फैक्ट्री एनवायरनमेंट। फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे मैनेजर को अपनी अथॉरिटी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सबॉर्डिनेट्स, जिसमें सबॉर्डिनेट्स जो है वो एग्री नहीं कर रहे या आर्ग्यू कर रहे हैं आपस में, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सबॉर्डिनेट्स जो है दे आर नॉट एग्रीइंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट और दे आर कॉन्स्टेंटली यू नो डिस्कसिंग अमंगस्ट ईच अदर, तो यहाँ पे फिर मैनेजर क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी को लेके आएगा, ही विल प्रैक्टिस हिज और हर अथॉरिटी। सो दैट इज एन एरिया वेयर थ्योरी वाई कैन नॉट वर्क। मैकग्रेगर के मुताबिक जो हमने हायरार्की पढ़ी थी, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन और लोअर मैनेजमेंट, तो मैकग्रेगर के मुताबिक थ्योरी वाई जो है ये ज्यादातर मैनेजर्स के लिए बनाई गई है और ये मैनेजर्स और प्रोफेशनल्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। थ्योरी वाई से आप मैनेजर्स को और प्रोफेशनल्स को हैंडल करते हैं, इसके बरक्स थ्योरी एक्स जो है उसे आप फैक्ट्री फ्लोर पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जिस पर्टिकुलर जॉब पे कमिटमेंट गेन करना इम्पोर्टेंट हो एम्प्लॉयज की, कि एम्प्लॉयज जो है दे मस्ट बी सेल्फ कमिटेड, दे मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड, सो जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय कमिटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की कमिटमेंट को एक्वायर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे थ्योरी वाई विल वर्क। क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज जो है दे विल एक्सर्ट सेल्फ डायरेक्शन, दे विल बी मोर प्रोन टू वर्क, दे विल बी मोर यू नो कैपेसिटेटेड टू वर्क, उनकी वर्क कैपेसिटी बेहतर होगी, ठीक है ना। इसके बरक्स थ्योरी एक्स जो है वो आप अप्लाई करते हैं फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर। थ्योरी वाई के अंदर फिर आप एम्प्लॉयज को पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं उन्हें, आप क्योंकि एम्प्लॉयज आपके इमोशनली मेच्योर होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल एनफ टू टेक देयर वर्क ऑन देयर शोल्डर्स, उनमें ये जिम्मेदारी का एहसास होता है कि वो अपने कंधों पे अपने काम का बोझ उठा सकें। दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर मेच्योर इनफ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर यू हैव असाइन टू देम, ठीक है ना। बहुत सारी सर्कमस्टांसिस में, स्पेशली ऐसी सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे एम्प्लॉयज मेच्योर हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज खुद जिम्मेदारी बर्दाश्त करते हैं, खुद जिम्मेदारी उठाते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज जो हैं, तो यहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन में थेरी वाई बेहतर है थेरी एक्स से। तो थेरी एक्स यूजेज नेगेटिव मोटिवेशन, थेरी एक्स यूजेज फोर्सफुल इम्प्लीकेशन, फोर्सफुल आप उसमें मैकेनिज्म यूज करते हैं एम्प्लॉयज को टूवर्ड्स टू पुश देम टूवर्ड्स वर्क। इसके बरक्स थेरी वाई के अंदर आपका जो सारा फोकस होता है दैट इज वेयर यू फोकस ऑन द वे पीपल आर यू नो गाइडेड टूवर्ड्स वर्क, लोग खुद सेल्फ ट्रिगर्ड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, पीपल आर सेल्फ ट्रिगर्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। सो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये दोनों केसेस में, ये दोनों के अंदर फर्म लेवल पे भी और बिजनेस मैनेजमेंट लेवल पे भी ये थेरी एक्स और थेरी वाई दोनों को यूज करती है। फर्म लेवल मीन फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल पे भी और बिजनेस मैनेजमेंट लेवल पे भी। सो आइडियल केस सिनेरियो में एक इदारे के पास दोनों ऑप्शंस होनी चाहिए, दे मस्ट बी एबल टू यूज थेरी एक्स एंड थेरी वाई साइमल्टेनियसली डिपेंडिंग अपॉन के एम्प्लॉय किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर्स माइट नॉट बिलोंग टू थेरी एक्स, मैनेजर्स भी थेरी एक्स से बिलोंग कर सकते हैं। फैक्ट्री फ्लोर वर्कर्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो थेरी वाई से बिलोंग करते हो, ये भी मुमकिन है लेकिन कॉमन नहीं है। तो हम बात करते हैं कॉमनैलिटी की, तो इट्स नॉट कॉमन, ये कॉमन नहीं है कि फैक्ट्री फ्लोर वर्कर्स जो हैं वो ज्यादा थेरी वाई से बिलोंग करें या मिडिल मैनेजर्स या फ्रंट लाइन मैनेजर्स जो हैं वो ज्यादा थेरी एक्स से बिलोंग करें, तो ये कॉमन नहीं है। सो इफ समथिंग इज नॉट कॉमन डेफिनेटली इट विल हैव सम रिपरकशंस, उसके अंदर फिर आपको देखना पड़ता है कि किस तरह का एम्प्लॉय है। तो इंशाल्लाह ये बेसिकली थ्योरी क्यों पढ़ाई जाती है आपको, देखें इसके पीछे ना लॉजिक समझा करें। कल आप इंशाल्लाह फर्म्स में जाएंगे, मतलब कल नॉट मीन सैटरडे को, कल से मुराद है अपना कैफ क्लियर करके। व्हेन यू आर गोइंग टू गेट इनटू द फर्म, जब आप फर्म में जाएंगे तो फर्म में जाके द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस। अस्सलाम वालेकुम नवीद, क्या हाल है आपका, वेलकम अबोर्ड, गेट अलॉन्ग विद द टॉपिक, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर द क्लास एंड वी वुड सी कि आपके कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं और कौन से टॉपिक मिस हुए एंड हाउ आर वी गोइंग टू कवर देम।
कल नेवर कम्स. वेल इट डज इट ऑलवेज कम्स. ठीक. ओके. सो आप जब जाएंगे इंशाल्लाह फर्म्स के अंदर, तो व्हाट विल हैपन, यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद पीपल, और इनिशियली आप किसी के सबॉर्डिनेट होंगे डेफिनेटली. कल को आपके ऊपर लोग आएंगे, आप उनकी जगह उनको रिप्लेस करेंगे, आपके सबॉर्डिनेट्स आ जाएंगे. सो ओवर द टाइम जब आप मैनेजर के लेवल पे जाएंगे और जब आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे, तो उनको चलाना, उनको मैनेज करना, टीम बिल्डिंग करना, मोटिवेशन करना, ये सब कुछ बड़ा एक क्रिटिकल फिनोमेना है. एंड दिस क्रिटिकल फिनोमेना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ मैनेजर. ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं पढ़ाता हूँ या मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज आपके काम आएगी ना फर्म में, दैट वुड बी योर मैनेजमेंट स्किल. हाउ गुड ऑफ अ मैनेजर यू आर, आप कितने काबिल मैनेजर हैं, आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं. ठीक है. आपकी जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है, ये बहुत काम आएगी आपकी. ओके जी, यहाँ पे हमारी 11 थेरीज कवर हो जाती है. हेयर वी कंक्लूड आवर 11 थेरीज. ठीक है. यहाँ पे हमारी 11 थेरीज जो डिबेट है वो ओवर हो जाती है. इन 11 थेरीज को अगर आप नटशेल में देखें, तो हमने 5 थेरीज पढ़ी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर. क्लासिकल थेरीज के अम्ब्रेला में वी डिस्कस्ड टेलर, वी डिस्कस्ड फेयॉल, वी डिस्कस्ड अर्विक, वी डिस्कस्ड वेबर, वी डिस्कस्ड रोजमेरी स्टीवर्ट. फिर हमने एक थेरी पढ़ी जो इन दोनों को ब्रिज करती है, लिंक करती है, दैट वॉज एल्टन मायो. और एल्टन मायो से फिर हमने डिस्कशन स्टार्ट की मॉडर्न थेरीज में. हमने पीटर ड्रकर को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया हेनरी मिंट्सबर्ग को, हमने डिस्कस किया मॉस्केंटर को, हमने डिस्कस किया आउची को, और हमने डिस्कस किया मैकग्रेगर एक्स एंड वाई को. आउट ऑफ दीज 11 थेरीज, वन इज मैंडेटरी इन योर एग्जामिनेशन. एक तो मस्ट है, दो भी आ सकती हैं. ठीक है. यानी ये 11 थेरीज अगर आपने थॉरली प्रिपेयर की हैं, तो आप ब्लाइंडली ये बिलीव कर लें कि आपने पेपर में कम से कम 7 मार्क्स सिक्योर कर लिए. एक थेरी मिनिमम 7 से 8 मार्क्स की आती है, 9 की भी आती है, 10 की भी आती है. ठीक है. दो आ जाए तो 15-16 नंबर में ये दो थेरीज काउंट हो सकती है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क ऑन द थेरीज. ओके. इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि मैनेजमेंट के तीन एराज हैं, रिमेम्बर दैट. पहला एरा मैंने आपको बताया था, दैट वॉज द क्लासिकल एरा, जिन्हें हम क्लासिकल थेरीज कहते हैं. दूसरा एरा मैंने आपको बताया था, दैट वॉज द मॉडर्न एरा. और तीसरा एरा जो मैंने आपको बताया था, दैट वॉज ऑपरेशन रिसर्च एरा, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे स्टैट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम द आर्मी. ओके जी, नवीद साहब आप यू कैन हैव प्रेयर्स. ठीक है. तो वी कैन जस्ट पॉज फॉर फ्यू मिनट्स. ठीक है. क्विक 5 मिनट्स पे आप जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाए, पूरी क्लास आपका फिर वेट करेगी. एज सुन एज आप आके हमें बताएंगे कि जी यू आर हेयर, हम रिज्यूम कर देंगे. ठीक है. कि नॉर्मली हमारे जो रिस्पेक्टिव शहर है, आई डोंट नो आप कहाँ से हैं, बट यहाँ पे नमाज ऑलरेडी हो चुकी है, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गए. तो जस्ट कम बैक क्विकली एंड देन वी विल रिज्यूम. ओके. इन द मीन टाइम किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ. दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी टेस्ट हम रिकॉर्डेड. इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. आप जिन जिन को टेस्ट में मुझसे कुछ डिस्कस करना है ना, वो एक काम करें, ग्रुप पे की ग्रुप की बजाय इंडिविजुअल चैट में अपना टेस्ट जो है वो मुझे पीडीएफ फाइल भेज दें, जिससे आपको मार्क्स मिले हुए. ठीक है. तो आई विल गिव माय कमेंट्स ऑन दैट, क्योंकि टेस्ट की मैंने बना के दी थी टीए को, मार्किंग स्कीम उसे मैंने दे दी थी, और टेस्ट टीए ने मार्क किया. तो आई डोंट नो कि आपके कितने कितने मार्क्स हैं, अभी लिस्ट भी मेरे पास नहीं है. ओके. बट स्टिल इफ यू वांट टू डिस्कस, लिस्ट तो खैर मैं टीए से कह दूंगा, वो दे ही देगा. बट इफ यू वांट टू डिस्कस योर टेस्ट विद मी, तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप ये काम कीजिए कि आप उस टेस्ट को का वो जो फाइल है, जो आपकी पीडीएफ जो आपके एलएमएस में आई है, वो आप मुझे भेज दें. आई विल रिव्यू इट एंड आई विल कमेंट ऑन इट. ओके. ओके. ऊपर अभी क्वेश्चन किया था किसी ने तीसरे एरा के बारे में. हाँ, माजिद ने किया था. माजिद, तीसरा एरा ये वाला है, ओ आर का. मतलब आपके बुक में इस एरा को मॉडर्न थियरीज के अंदर ही रखा गया.
एंड और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट कि आप एरास में डिफरेंशिएट करें। ये तो मैं सिर्फ आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि एरास का क्या मतलब है। आईकैप की बुक जो है ये थॉरो है, काफ़ी है। हाँ, आईकैप की बुक में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो पैक जो है उसकी बुक से आप कुछ टॉपिक्स को अगर आपने सिंप्लीफाई करके समझना है या आपको आसान वर्डिंग चाहिए तो आप पैक की बुक पे जा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक स्टडी टेक्स्ट का काफ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक इज फेयर एनाफ, स्टडी टेक्स्ट का जो क्वेश्चन बैंक है, और नॉर्मली क्वेश्चन बैंक में 80% क्वेश्चन जो है वो पास पेपर्स के हैं, तो पास पेपर्स मैं वैसे ही डिस्कस करता हूँ साथ साथ। पास पेपर्स तो आपके साथ मैं वैसे ही डिस्कस करता हूँ, तो देर इज नो इश्यू इन इट, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पास पेपर्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन ही पास पेपर्स वाले हैं मेनली, ओके। आ गए नवीद साहब के? नहीं आए अभी तक। नवीद साहब आ जाए तो हम क्लास को रिज्यूम करते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो एरास जो है वो डिफरेंशिएटेड जरूर हैं, लेकिन आपकी जो बुक है वो मैनेजमेंट साइंस अप्रोच को भी, ओआर को भी, वो मॉडर्न थियरीज की अम्ब्रेला में ही काउंट कर रही है, और हम इसको इसी में रखेंगे। बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च का जो दौर है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी 1945 में। तो दुनिया का जो बिजनेस का जो मॉडल था, जो फ्रेमवर्क थे, जो स्ट्रेटजी थी, वो दुनिया में बदल चुकी थी। बहुत सारी नॉलेज ट्रांसफर्स हुए थे, बहुत सारी स्किल ट्रांसफर हुई थी दुनिया में, इधर उधर लोग जो है वो मूव हुए थे। तो वहाँ से फिर बहुत सारे मिलिट्री के ऐसे कॉन्सेप्ट थे, ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल्स थे, जैसे आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ी है ना, सबने स्टैट्स में आप लोग कैलकुलेट करते हैं ना, वो फिजिबल रीजन निकालते हैं, फिर फिजिबल रीजन के अगेंस्ट आप कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन मैयर करते हैं, इसी दैट इज ऑल ऑपरेशंस रिसर्च, वो सारी ओआर। ओआर का प्राइम पर्पस क्या है? डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अचीव करना थ्रू ऑप्टिमाइज योर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। तो ओआर इज अ टूल, ये एक मतलब ऑपरेशन रिसर्च एक टूल है या कलेक्शन ऑफ टूल्स है, यस यू कैन से दैट इट्स अ कलेक्शन ऑफ टूल्स। तो ओआर जो है ये कलेक्शन ऑफ टूल्स है, और ये कलेक्शन ऑफ टूल्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग। यानी ओआर के अंदर सब कुछ मैथमेटिकल है, कुछ भी क्वालिटेटिव नहीं है, कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है, ओआर में सब कुछ जो है वो मैथमेटिकल है। ओआर के अंदर एवरीथिंग इज मैथमेटिकल, प्योर साइंटिफिक और मैथमेटिकल बेस्ड फिनोमेना है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ओआर के टोटल 60 टूल्स हैं, 7 टूल्स अवेलेबल हैं, और इन 7 टूल्स के अंदर हम बारी बारी हर टूल को डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ओआर का क्वेश्चन डिफरेंट वेज में आता है। अभी तक ओआर में से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक दफा तो एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पुट किया था 4 मार्क्स का नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था नेटवर्क एनालिसिस पे। नेटवर्क एनालिसिस एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, बेसिकली इट्स अ टेक्निक टू मैनेज प्रोजेक्ट, जिसमें आप एक प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन कंपोनेंट्स की ड्यूरेशन मेजर करते हैं, उन कंपोनेंट्स का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालते हैं, ताकि आप ये पता लगा सकें कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, उसका क्रिटिकल पाथ मेजर करते हैं। मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इफ आई शो यू कि नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, ये आपकी फाइनल्स की किताब है, डरें उस वक्त से जब आपको 600 सफ़े की किताब पढ़नी पड़ेगी, अभी तो आप 200 सफ़े की किताब पढ़ रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली क्रिटिकल, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है क्रिटिकल पाथ। ये बीएम फाइनल की बुक है, जो इसके फौरन बाद मेरी क्लास अभी फाइनल्स के साथ भी है ऑनलाइन, सो बुक सामने खुली भी है मैंने, ओके। सो दिस इज अ नेटवर्क एनालिसिस, ये फाइनल का बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस। ये जो नोड्स हैं, जो सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्ट के,
बेसिकली एक्टिविटीज हैं, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी है, ये प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज है। हर एक्टिविटी का एक टाइम ऑफ कंप्लीशन है, इसे हम उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कहते हैं, ये एक्टिविटी कब शुरू होनी चाहिए। फिर इसका एक लेटेस्ट फिनिश स्टार्ट टाइम होता है, कब लेटेस्ट कब शुरू होनी चाहिए, खैर ये चीजें। फिर इसका क्रिटिकल पाथ होता है, क्रिटिकल पाथ का मतलब है द लॉन्गेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन इन विच यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब द शॉर्टेस्ट पॉसिबल, यानी इससे कम में ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। इससे कम में ये, यानी मिनिमम कितने दिनों में आप मुकम्मल कर सकते हैं प्रोजेक्ट, दैट इज नोन एज योर क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ को अगर हम डिफाइन करें, ये डिफाइन कर रहे हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कम से कम कितने दिनों में प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, इतने दिन से पहले पूरा नहीं हो सकता, ये इसे कहते हैं क्रिटिकल पाथ। तो नेटवर्क एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं, अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम निकालते हैं हर कंपोनेंट का। वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो की ऑब्जेक्टिव है नेटवर्क एनालिसिस का, दैट इज क्रिटिकल पाथ को डिटरमिन करना। और क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन है द सीरीज ऑफ कंपोनेंट व्हिच सीक्वेंशियली रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नेटवर्क एनालिसिस का यूजेज क्या है, इसे हम रिसोर्स प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम बॉटल नेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉटल नेक्स का मतलब होता है जहाँ पे आपके रिसोर्सेज कन्वर्ज हो रहे हैं, या इसे हम स्लैक मैयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लैक कहते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम जो आपको मिल जाता है एक प्रोजेक्ट में विदाउट डीलेइंग द होल प्रोजेक्ट। मतलब अगेन वापस आ जाएं इस डायग्राम पे, तो इस केस में अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पे देखें एक्टिविटी ए जो है इसका एक्चुअल टाइम 5 डेज है, बट एज लेट एज इट कैन बी स्टार्टेड ऑन द 8th डे, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो स्लैक है। अगर आप एक्टिविटी ए को 3 दिन लेट कर भी देते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 15 दिनों में ही खत्म होगा, उससे लेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एक्टिविटी सी को लेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखें, तो फिर आपका पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, इसे स्लैक कहते हैं। यानी स्लैक का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या कोई एक्स्ट्रा टाइम बचता है किसी कंपोनेंट में या किसी एक्टिविटी में, कि अगर आप उस एक्टिविटी को थोड़ा सा लेट भी कर दें तो आपका प्रोजेक्ट पूरा लेट ना हो। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्लैक, गॉट इट? बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो नेटवर्क एनालिसिस में ये कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नेटवर्क एनालिसिस की टर्म्स क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, फिर हर कॉम्पोनेंट का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, फिर हर कंपोनेंट के थ्रू, सीरीज ऑफ कंपोनेंट्स के थ्रू आप क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, सीरीज ऑफ कंपोनेंट के थ्रू आप क्रिटिकल पाथ मैयर करते हैं, और फिर उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर आप बॉटल नेक्स को और स्लैक को मैयर करते हैं, यू मैयर बॉटल नेक एंड यू मैयर द स्लैक, ठीक है, आप बॉटल नेक को और स्लैक को डिटर्मिन करते हैं। सो दैट इज हाउ नेटवर्क एनालिसिस वर्क। तो स्लैक क्या होता है, पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम वेयर डिले इन एनी कंप्लीटिंग इन एनी एक्टिविटी और कंपोनेंट वुड नॉट इम्पैक्ट द ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। किसी एक एक्टिविटी में अगर आप थोड़ा बहुत डिले ले आते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपका डिले नहीं होगा। इस फिनोमिना को हम स्लैक का नाम देते हैं। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होती है, बड़ा मजे का ये भी कॉन्सेप्ट है। गेम थ्योरी जो है ये मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर आपको मैं गेम थ्योरी समझाऊं थोड़ी सी, अपने लैपटॉप पे क्लास लेने का फायदा ये होता है कि यू कैन पुल अप एनी डॉक्यूमेंट व्हेनेवर स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग द क्लास ऑन योर ओन लैपटॉप। अदरवाइज वो जो लैपटॉप्स हैं हमारे स्टूडियो के, वहाँ पे आपका जो कि अपना डेटा नहीं होता, तो यू कैन नॉट जस्ट पुल अप एनी कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स लेट मी शो यू व्हाट इज गेम थ्योरी। थोड़ा सा गेम थ्योरी पे बात करते हैं।
गेम थ्योरी बेसिकली एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम दो डिफरेंट पार्टीज के दरमियान आने वाले कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करते हैं। वी हैंडल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ अ गेम। हम एक गेम डिफाइन कर देते हैं और फिर उस गेम के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो कितना पे ऑफ ले रही है, कौन सी पार्टी जो है वो कितना उसके अंदर वेव कर रही है। इसको हम बड़ी आसानी से समझाते हैं प्रिजनर्स डायलेमा से। इसमें नहीं है, चलिए एक मिनट, लेट मी जस्ट सी, यहाँ पे होगा प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा क्या होता है और कैसे उसको समझा जाता है, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी गेम पहले बनाऊंगा। बनाने से मुराद ये है कि इसके ऊपर एक छोटी सी गेम मैं पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड देन आई वुड सी। ओके, दिस इज गेम थ्योरी एग्जांपल। थैंक यू सो मच नवीद, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने क्लास को रिज्यूम कर लिया था क्योंकि इट वाज अ बिट ओवर। नेटवर्क एनालिसिस मैंने रिव्यू करवा दिया, चले मैं उस पर अभी आपको दोबारा ले आता हूँ। लेट्स अभी हमने गेम थ्योरी को डिस्कस करना शुरू किया, तो नेटवर्क एनालिसिस पे मैं अभी आपको दोबारा ले आता हूँ। ओके, यस, नाउ सी, दिस इज अ गेम। ये एक गेम है और इस गेम में क्या हो रहा है, इस गेम में ये हो रहा है कि दो प्लेयर्स हैं, स्टारबक्स और सैन फ्रांसिस्को कॉफी। गेम थ्योरी बेसिकली ऑलिगोपली के बिहेवियर को मेजर करने के लिए बनाई जाती है, जिसमें दो पार्टीज के बिहेवियर्स को आप ऑब्जर्व करते हैं। सो गेम थ्योरी इज डेवलप्ड टू मेजर द बिहेवियर्स ऑफ व्हाट यू कैन से द प्लेयर्स, प्लेयर्स के बिहेवियर्स को मेजर करने के लिए बनाई जाती है। अच्छा, अब इसमें देखें क्या हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को डिसाइड कर रहे हैं कि वो एडवर्टाइज करें अपना प्रोडक्ट, ठीक है, और उधर स्टारबक्स जो है जिसका कंपेटिटर है उनके पास भी ऑप्शन है कि वो ना करें एडवर्टाइज अपना प्रोडक्ट। मतलब अगर सैन फ्रांसिस्को कॉफी अपना ब्रांड एडवर्टाइज करते हैं और अगर स्टारबक्स नहीं करते एडवर्टाइज, तो $20 प्रॉफिट इसके पास आता है और $10 इसके पास जाता है। अगर सैन फ्रांसिस्को अपना ब्रांड नहीं करे एडवर्टाइज और स्टारबक्स करे एडवर्टाइज, ये सोचते हुए कि ये भी नहीं करेगा तो हम $15-15 अर्न कर लेंगे, तो इसके पास 10 आता है, 20 इसको चला जाता है। ये आपको मैट्रिक्स समझ आ रही है ना। ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये SF का पे ऑफ है, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो स्टारबक्स का पे ऑफ है। ओके, तो इफ सैन फ्रांसिस्को डोंट एडवर्टाइज एंड स्टारबक्स डोंट एडवर्टाइज, दोनों को $15-15 मिलते हैं। सैन फ्रांसिस्को करता है एडवर्टाइज ये सोचते हुए कि स्टारबक्स नहीं करेगा एडवर्टाइज तो मुझे 20 मिल जाएंगे, उसको 10 मिलेंगे, ठीक है, और जबकि अगर ये भी कर लेता है एडवर्टाइज तो फिर दोनों को 10 दे जो है दोनों को 12-12 मिलते हैं। सैन फ्रांसिस्को नहीं करता एडवर्टाइज $10, और स्टारबक्स करता है तो 20 इसको मिल जाते हैं, 10 इसको मिल जाते हैं। ओके फाइन, दैट्स अ गेम। अब इस गेम में हो क्या रहा है, इस गेम में हो ये रहा है कि एक की मूव दूसरे पे डिपेंड करती है। लाइक गेम थ्योरी में क्या होता है, मूव्स जो है ये आपके एक्शंस होते हैं, यू सी, और पे ऑफ जो है ये आपके प्रॉफिट्स होते हैं, और इक्विलिब्रियम आउटकम जो है गेम का वो ये होता है कि दोनों पार्टीज का बेनिफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। मतलब अगर हम एक सीक्वेंशियल गेम खेलें, लेट्स प्ले अ सीक्वेंशियल गेम, इफ SF एडवर्टाइज, ठीक है, स्टारबक्स को पता है कि SF एडवर्टाइज करेगा, तो स्टारबक्स की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वेदर दे डोंट और दे शुड। आप 10 और 12 को कंपेयर करें ना, 10 और 12 में से 12 बढ़े ना, तो दे शुड एडवर्टाइज, ये भी करेंगे, देखिए इनका पे ऑफ कम हो जाए और हमारा पे ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाए। बात समझ आ रही, किसी एक पार्टी से स्टार्ट करें, SF डिसाइड करता है कि हमने करना है एडवर्टाइज और स्टारबक्स को ये पता है कि SF इज गोइंग टू एडवर्टाइज। अगर SF एडवर्टाइज करता है तो इसका पे ऑफ है 20। नाउ इफ SF इज एडवर्टाइजिंग, स्टारबक्स हैज टू ऑप्शन, ईदर
नॉट टू एडवर्टाइज और टू एडवर्टाइज, तो इन दोनों पे ऑफ में से चूंकि बड़ा पे ऑफ 12 का है सो दे विल ऑल्सो एडवर्टाइज, दे विल ऑल्सो एडवर्टाइज, डन हो गया। अच्छा अब स्टारबक्स से स्टार्ट कर लें। लेट से स्टारबक्स जो है वो स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं नॉट एडवर्टाइजिंग की, नहीं करना हमने, ठीक है। तो एस एफ के पास दो ऑप्शन है, इधर दे डोंट और दे विल। ये वैल्यूज हमने अभी एज्यूम की नहीं, दीज आर जस्ट एज्यूम्ड वैल्यूज, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और जब हम किसी एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी को अचीव कर लेते हैं दैट इज नोन एज नैश इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। एक मूवी है देखिए आपने वो द ब्यूटीफुल माइंड, जॉन नैश। जॉन नैश जो है ये नोबेल प्राइज विनर था इकोनॉमिक्स का, जरूर देखें, आई वुड रिकमेंड दिस मूवी। अगर आप अंग्रेजी फिल्में देखते हैं शौक से तो दिस मूवी इज हाईली रिकमेंडेड। तो जॉन नैश जो था ये इकोनॉमिस्ट था बहुत बड़ा, नोबेल प्राइज विनर, और ये इसका इक्विलिब्रियम था नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम ये होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो विन विन अप्रोच पे आ जाती है। द ब्यूटिफुल माइंड, ठीक है, सो दोनों पार्टीज जो हैं वो विन विन पे आ जाती है। अच्छा देखें, स्टारबक्स डिसाइड करता है कि नहीं करना एडवर्टाइज, एसएफ के पास दो ऑप्शन है, इधर दे डोंट और दे डू, तो इन दोनों में से ये कौन सी चूज करेंगे, ऑब्वियसली ये वाली एडवर्टाइज वाली। जब ये चूज करेंगे कि हम एडवर्टाइज करेंगे, एसएफ को पता लग गया कि ये तो करने जा रहे हैं एडवर्टाइज, तो एसएफ फॉरन डोंट की स्ट्रेटजी हटा के दे विल ऑल्सो अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी, और फिर दोबारा इसी पे ऑफ पे आ जाएंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें आपका ऑप्टिमल पे ऑफ यही बनेगा, आप इस गेम को कहीं से भी स्टार्ट कर लें आपका ऑप्टिमल पे ऑफ जो है वो यही बनेगा। इसे कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम, कि जब एक ऑप्टिमल पे ऑफ आए गेम में जो कि एक यूनिलैटरल स्ट्रेटजी को डेवलप करे। यहाँ पे बहुत कुछ कांस्टेंट है बेटा, ये तो बहुत बेसिक गेम है, यहाँ पे बहुत कुछ कांस्टेंट है, ये तो एक बहुत ही बेसिक लेवल की गेम है। गेम थ्योरी तो बड़ी बड़ी खतरनाक होती है, मतलब बड़ी बड़ी यू नो लंबी क्वेश्चंस होती हैं, ये तो सिर्फ एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए गेम थ्योरी का, ठीक, दैट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है। लाइक गेम थ्योरी अगर हम इजिएस्ट वे में डिस्कस करें तो गेम थ्योरी क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन का टू हेल्प मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। हाँ लेकिन ये कंपीटिंग गेम है, इट्स अ कंपीटिंग गेम, यानी अगर ये कहे कि मैंने नहीं करना है एडवर्टाइज तो एसएफ विल ऑलवेज गो फॉर मैक्सिमाइजिंग देयर रेवेन्यू, इसे कहते हैं कंपीटिंग गेम, इट्स अ कंपीटिंग गेम। हाँ इफ दे डोंट एडवर्टाइज इट मींस के कस्टमर्स जो हैं इनके वो इनडिफरेंट रहेंगे, इफ दे बोथ एडवर्टाइज तो हो सकता है कि कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाए, कोई एड में कोई चीज कस्टमर को पसंद ना आए, ठीक है, मतलब अगेन ये रेवेन्यूज जो है ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और ये ऐसे अज्यूम किए हैं यहाँ पे, दे आर जस्ट अज्यूम्ड, ओके। इसे कहते हैं कंपीटिंग गेम, कंपीटिंग गेम के अंदर इंपॉर्टेंट ये होता है कि दोनों पार्टीज अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की तरफ जाती हैं, बोथ पार्टीज आर विलिंग टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट, दैट इज नोन एज अ कंपीटिंग गेम, इसे हम कंपीटिंग गेम कहते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो दैट इज व्हाट वी नोन एज, तो रूल्स आर स्पेसिफाइड, रूल्स गेम के स्पेसिफाइड होते हैं, वेरियस चॉइसेस अवेलेबल हैं, एक्शन अवेलेबल हैं, जैसे इस केस में चॉइसेस क्या हैं, इधर यू विल एडवर्टाइज और यू विल नॉट एडवर्टाइज, और फिर हर चॉइस के साथ उसके लाइकली आउटकम या उसके पे ऑफ भी अवेलेबल हैं, जैसे ये पे ऑफ्स हैं 20, 10, 15, 15, ये पे ऑफ्स हैं, ठीक है, सो दीज आर द पे ऑफ्स। गेम्स नॉर्मली दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं जीरो सम गेम्स, जीरो सम गेम्स जैसे आपकी स्पोर्ट्स होती हैं, जैसे मिलिट्री गेम्स होती हैं, जीरो सम गेम्स में वन विल विन वन विल लूज, एक जीतेगा एक हारेगा, जैसे स्पोर्ट्स होती हैं, क्रिकेट का मैच है, दैट्स अ जीरो सम गेम। बिजनेस गेम्स जो हैं दे आर नॉन जीरो सम गेम्स, बिजनेस गेम्स आर जैसे इकोनॉमिक बिहेवियर को मेजर करने की जो गेम्स होती हैं दे आर नॉन जीरो सम गेम्स, द गेम्स दैट मेजर इकोनॉमिक बिहेवियर आर नॉन जीरो सम गेम्स, जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो कोऑपरेट करने की कोशिश करती हैं बार्गेनिंग सिचुएशन में, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं पे ऑफ को। तो ये जो एग्जांपल हमने भी यहाँ डिस्कस की है दैट्स अ नॉन जीरो सम गेम, इसमें आप एक दूसरे को मतलब इसमें कोई विन लूज नहीं है, इसमें एक विन विन सिचुएशन पे आप आ रहे हैं, और वो ये है
आप किसी पॉइंट से स्टार्ट कर लें, हमेशा आप यहाँ पे पहुंचेंगे। ओके, लेट्स से स्टार बक डिसाइड्स टू एडवर्टाइज, तो एस एफ कॉफी हैज टू ऑप्शन, इधर नॉट और टू गो फॉर। अगर नहीं करते तो पे ऑफ 10 है, अगर करते हैं तो पे ऑफ 12 है, तो दे विल ऑलवेज एडवर्टाइज, पे ऑफ यहाँ पे आ जाएगा। एस एफ डिसाइड नॉट टू एडवर्टाइज, ठीक है, इनका पे ऑफ कितना है, 15 है, तो इनके पास ऑप्शन है ये भी ना करें या ये करें एडवर्टाइज। तो अगर ये नहीं करते तो पे ऑफ 15 है, अगर ये करते हैं तो 20 है, तो दे विल डिसाइड टू गो फॉर एडवर्टाइजमेंट। जब ये डिसीजन लेंगे एडवर्टाइजमेंट का, तो इनका पे ऑफ 15 से कम होकर 10 पे आ जाएगा। तो जब इनको लगेगा कि नहीं ये तो जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, फिर हमें भी जाना चाहिए, ये भी करेंगे, फिर दोबारा 12 12 पे आ जाएंगे। आप किसी पॉइंट से स्टार्ट कर लें, यू विल ऑलवेज रीच टू दिस पोजीशन। आवाज नहीं आ रही मेरी, कैन यू हियर मी? ओके, तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लें, आप हमेशा यहीं पे पहुंचेंगे। अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन किया, अभी क्वेश्चन किया है मोहम्मद फहीम ने, अदर मैंने देखा, मैंने आपसे बोला ये कहा कि अभी हम अदर एक्शंस को रिज्यूम कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, ठीक है, अभी हम अदर एक्शंस पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ इस गेम की बात करें जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। सो दैट्स अ वेरी सिंपल सिचुएशन। हाँ, कोई फर्म दूसरी फर्म की वजह से लॉस बेयर नहीं करेगी, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट इन दिस गेम। नहीं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना, 20 से 12 पे तो आ रहे हैं, लेकिन 20 से 12 पे आने का जो प्रोसेस है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, या मैक्सिमाइजिंग देयर ओन प्रॉफिट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द थर्ड टूल। तो अभी हमने पहले दो टूल्स पढ़े, एक हमने पढ़ा नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। नवीद, एक समय भी आपकी बात का आंसर देता हूँ। नेटवर्क एनालिसिस जो है, दैट्स अ टेक्निक टू मैनेज प्रोजेक्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे, दिस इज नेटवर्क एनालिसिस। इसमें क्या होता है, फर्म्स जो है वो क्या करती हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए पाथ बनाती हैं, डायग्राम्स बनाती हैं, अर्निंग लेस इन कंट्रास्ट टू अदर्स। दूसरे की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली अर्निंग को मैक्सिमाइज करना है। आप देखें, इस केस में एसएफ का बेस्ट पे ऑफ है 20, बट स्टारबक्स विल नेवर रेस्ट एट 10, तो दे विल ऑलवेज जंप टू हाई पे ऑफ। बेटा, चूंकि कंपीटिंग गेम है, आपके डिसीजन अलोन आपके नहीं है, दूसरों के डिसीजन पे डिपेंड कर रहे हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनो ना। अब चलो मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। स्टारबक्स ने पहला डिसीजन लिया कि हम एडवर्टाइज करेंगे, ओके, क्योंकि ये इनको हाईएस्ट पे ऑफ दे रहे हैं, इट्स अ लॉजिकल डिसीजन। अंडरस्टूड? ये बात समझ आ गई आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बड़ा बहुत लॉजिकल डिसीजन है। स्टारबक्स ने कहा कि जी हम करेंगे एडवर्टाइज, पे ऑफ हाईएस्ट हो रहा है। जब ये एसएफ कॉफी को पता लग गया कि ये जा रहे हैं एडवर्टाइज करने, तो एसएफ कॉफी के पास अब दो ऑप्शन है, इधर डोंट एडवर्टाइज और एडवर्टाइज, ठीक है। तो जब एसएफ कॉफी ने पे ऑफ कंपेयर किए, तो एसएफ कॉफी के पे ऑफ जो है वो 20 या हाईएस्ट थे, ठीक है, व्हेन दे आर गोइंग टू एडवर्टाइज। जब इन्होंने भी एडवर्टाइज किया और इन्होंने भी एडवर्टाइज किया, तो अल्टीमेटली इस सेल पे आ गए, दोनों ने इक्वल लॉस बेयर किया। इट मींस ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हुआ, इसे कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल मींस बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है, यानी आपके बिहेवियर्स जो है वो कंपीटिंग है, यू आर एक्चुअली कंपीटिंग, आप कंपीटिंग बिहेवियर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। क्लियर? ओके, सो मैं कह रहा था, हमने पहले ये पढ़ा नेटवर्क एनालिसिस। ये हमारे पास नोड्स हैं या कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्ट के, हर कंपोनेंट का एक कंप्लीशन टाइम है। आप इन सारे कंपोनेंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको क्रिटिकल पाथ मिलता है, दैट इज व्हाट यू गेट द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन होती है, उसे हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा अपना क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करती हैं बिफोर दे कैन मेक एनी चॉइस और एनी डिसीजन इन अ प्रोजेक्ट। फिर हमने यहाँ बात की कि फायदे क्या होते हैं नेटवर्क एनालिसिस के, रिसोर्स प्लानिंग में हेल्प करता है, बॉटलनेक्स को डिटरमिन करने में हेल्प करता है, स्लैक को मेजर करने में हेल्प करता है, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक्स,
इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द स्लैक टाइम. स्लैक का मतलब क्या होता है? किसी एक एक्टिविटी को डिले कर देना विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट. जैसे यहाँ देखें, एक्टिविटी ए जो है इसमें आपके पास 3 दिन का स्लैक है. 5 को भी खत्म कर सकते हैं और 8 को भी खत्म कर सकते हैं. ये बॉटल नेक से मुराद है जहाँ पे कंजेशन पैदा हो जाए, जहाँ पे रिसोर्सेस कंजेशन में आ जाए. जैसे जब आपने देखा होगा रोड पे जब कहीं ट्रैफिक ब्लॉक हुई होती है तो गाड़ियां बड़ी रुक रुक के निकल रही होती है, उसे बॉटल नेक कहते हैं. दैट इज नोन एज बॉटल नेक. नॉर्मली बॉटल नेक फर्म्स में रिसोर्सेस पे लग जाता है. जब एक ही वक्त में बहुत ज्यादा रिसोर्स की डिमांड आ जाती है तो बॉटल नेक्स पैदा हो जाते हैं. वेन मैक्सिमम ऑब्स्टेकल्स एक्सैक्टली. सो वेन यू आर इन टू अ नीड ऑफ मच हाई लेवल ऑफ रिसोर्सेज यू आर कॉट इन टू बॉटल नेक्स. आप बॉटल नेक्स में पकड़े जाते हैं. स्लैक कहते हैं किसी एक कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट को लेट कर लेना, डिले कर लेना विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट. फॉर एग्जांपल, इस पूरे प्रोजेक्ट का टोटल टाइम है 15 डेज. टोटल टाइम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 15 डेज. ठीक है. अब ये और यहाँ देखें, एक्टिविटी ए जो है इसमें ये 3 दिन का स्लैक मौजूद है. आप चाहें तो एक्टिविटी ए को 3 दिन लेट स्टार्ट कर लें, 8 तारीख को स्टार्ट कर लें, 5 तारीख को स्टार्ट ना करें. आपका प्रोजेक्ट जो है वो 15 पे जाकर खत्म होगा. इस कॉन्सेप्ट को हम स्लैक कहते हैं. दैट इज नोन एज स्लैक. स्लैक से मुराद ये होती है कि डिलेइंग एन एक्टिविटी, डिले इन कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी और अ कंपोनेंट दैट वुड नॉट इम्पैक्ट द ओवरऑल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. किसी एक एक्टिविटी को आप डिले कर लें तो पूरे प्रोजेक्ट पे फर्क ना पड़े, इसे हम नाम देते हैं स्लैक का. दैट इज नोन एज स्लैक. इसे हम स्लैक कहते हैं. ठीक है. ओके जी, नेटवर्क एनालिसिस हो गया, गेम थ्योरी हो गई, आगे आती है क्यूइंग थ्योरी. चलिए आज की डिबेट का आखिरी टॉपिक बनाते हैं इसको, क्यूइंग थ्योरी को, क्योंकि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं और इस पे अगेन अगर पढ़ के सिर्फ मेमोराइज ही करना है तो फिर तो कुछ नहीं, 3-3 लाइन है. लेकिन इन 3-3 लाइनों के पीछे पूरी पूरी किताब है. इन 3-3 लाइनों के पीछे पूरी पूरी एक किताब होती है. तो क्यूइंग थ्योरी जो है ये भी मैथमेटिकल मॉडल्स हैं कंजेशन और डिलेज को एनालाइज करने के लिए. कंजेशन और डिलेज को एनालाइज करने के लिए क्यू. एक रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट के अंदर टोटल एक वक्त में, चले एक सिचुएशन देता हूँ आपको, एक रेस्टोरेंट के अंदर एक वक्त में टोटल 10 कस्टमर्स को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है. ओके. एक रेस्टोरेंट के अंदर एक वक्त में टोटल 10 कस्टमर्स को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है. अब एक कस्टमर जो है रेस्टोरेंट में दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक लेट सपोज आधा घंटा लगाता है, या चलें कम कर लें टाइम, 10 मिनट लगाता है, 10 मिनट्स. ठीक है. एक रेस्टोरेंट के अंदर टोटल 10 कस्टमर्स को एडजस्ट करने की कैपेसिटी है. एक कस्टमर 10 मिनट्स लगाता है एंटर से एग्जिट तक, लेकिन एक नया कस्टमर हर 5 मिनट के बाद आ रहा है, एवरी 5 मिनट्स. एक नया कस्टमर जो है वो एवरी 5 मिनट्स आ रहा है. ठीक है. इसका मतलब है कि एक कस्टमर आया, आके एडजस्ट हो गया, अगला कस्टमर आया, यानी हर 2 कस्टमर्स के एंटर होने के बाद एक कस्टमर एग्जिट कर रहा है. हर 2 कस्टमर्स के एंटर होने के बाद एक कस्टमर एग्जिट कर रहा है. तो इट मींस के बाय द टाइम 10 कस्टमर्स हैव एंटर्ड द रेस्टोरेंट, Only 5 would have left, ठीक है. Let's say, या अगर आप इसको जस्ट पेज पे ड्रॉ कर लें तो आपको पता लगेगा कि एक खास टाइम के बाद 15-20 मिनट 30 मिनट के बाद रेस्टोरेंट फुल हो जाएगा और पीछे क्यूइंग स्टार्ट हो जाएगी, लाइन लगने लग जाएगी. ऐसे ही होगा ना. इसे कहते हैं डिलेज एंड कंजेशन ऑफ वेटिंग एंड क्यू. क्यूइंग थ्योरी जो है वो ये बताती है कि किसी प्रोसेस के अंदर वेटिंग टाइम को कैसे कम किया जाए, क्यूज को कैसे मिनिमाइज किया जाए. क्यूइंग थ्योरी ज़्यादा इस्तेमाल होती है ट्रैफिक फ्लोज को बेहतर करने के लिए, शिपिंग ऑर्डर्स को इम्प्रूव करने के लिए, एवरेज टाइम पर कॉल इन सर्विस डिपार्टमेंट को कम करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे ये आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो आपको वेट करवाते हैं, म्यूजिक चलता रहता है कि कोई ना कोई ऑपरेटर फ्री होगा तो आपकी कॉल को आंसर करेगा. ऐसे ही होता है ना. दैट इज अ क्यू. अब अगर वो कंपनी जो है वो क्यूइंग थ्योरी इस्तेमाल करे और वो वेटिंग टाइम को कम करने की कोशिश करे तो इट मीन्स कि वो क्यूइंग थ्योरी को इंड्यूस कर रही है. सो क्यूइंग थ्योरी का जो पर्पस होता है दैट इज टू मिनिमाइज
और टू रिड्यूस द डिलेज एंड कंजेशन ऑफ वेटिंग. ठीक है, इसके पीछे भी मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, इसके पीछे भी हम बहुत डिटेल्ड मैथमेटिक्स यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे रिड्यूस करना है वेटिंग टाइम को और क्यूज को हमने कैसे मिनिमाइज करना है. सो मेनी मैथमेटिकल मॉडल्स वर्क एट द बैक ऑफ द क्यूइंग थ्योरी. फ्लोर शॉप्स के फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, फैक्ट्रीज में मटेरियल की मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में आपकी ऑपरेशन थिएटर की स्केड्यूलिंग होती है या आपकी क्लिनिक्स की स्केड्यूलिंग होती है, ये भी क्यूइंग थ्योरी से पॉसिबल है कि क्यूइंग थ्योरी से आप फ्लो को बेहतर रखें कि एक दफ़ा एक ओटी में ऑपरेशन हो रहा है तो अगला ऑपरेशन स्केड्यूल्ड है. इसे हम क्यूइंग थ्योरी के थ्रू करते हैं कि एकदम कंजेशन ना हो जाए या एक वक्त में क्लैश ना आ जाए या एक वक्त में एक ऑपरेशन थिएटर में कहीं दो इकट्ठे ऑपरेशन स्केड्यूल ना हो जाए. गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आ रही है. सो दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्यूइंग थ्योरी एंड द वे इट वर्क्स, द वे इट कास्ट अ गुड इम्प्रेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है? ओके, तो हमने तीन टूल्स पढ़ ली आज इंशाल्लाह. लेट्स कंप्लीट द नेक्स्ट ऑफ द फोर टुमारो. मैं थोड़ा सा टूल्स ज़रा ज़्यादा डिटेलिंग में लेके जा रहा हूँ ताकि इसके बैक एंड पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपका. तो कल हम रिमेनिंग टूल्स को डिस्कस करके कल हम जंप करते हैं, डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन आया था मार्च 2017 में. जी ज़रूर नवीद, यू मे कॉल. ये क्वेश्चन आया था मार्च 2017 में. बार दफ़ा ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं पूछ रहा, डिफरेंस पूछ लेता है आपसे. ये डिफरेंस बड़ा बेसिक है और सारी की सारी जो अभी तक हमने थ्योरीज डिस्कस की हैं उन तमाम थ्योरीज के कॉम्बिनेशन को डिफाइन करता है कि टेलर ने क्या कहा था, फेओल ने क्या कहा था, तमाम चीज़ें. तो ये डिफरेंस पेपर में आया था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था मार्च 2017 में. और इसके बाद फिर हम जंप करेंगे मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर. स्किल्स आर वेरी शॉर्ट डिस्कशन, बहुत कम डिस्कशन है इसके ऊपर. स्किल्स में से अभी तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो टाइम मैनेजमेंट पे आ चुका है, कोचिंग एंड मेंटोरिंग पे आ चुका है. ठीक है, अभी तक इन दो स्किल्स पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया पेपर में, टाइम मैनेजमेंट पे, कोचिंग एंड मेंटोरिंग पे. नेगोशिएशन एक पूरा चैप्टर आगे आएगा, लीडरशिप पे पूरा चैप्टर आएगा आगे, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पे पूरा चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे. ये स्किल इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. कम्युनिकेशन स्किल आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर. इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंपॉर्टेंट स्किल है. ठीक है, ऐप स्टोर पे नहीं है वर्ड जनरेटर, किसी और नाम से चेक करो यार, होनी चाहिए. एंड्रॉइड पे चेक करो, वो कह रहा है मिल गई है. अली जरा ऐप का एग्जैक्ट नाम बता दो इन सबको, बल्कि काम करो ऐप का ना वो अच्छा वेबसाइट है. ओके, वैसे एंड्रॉइड पे है, चलो वेबसाइट भी है तो काम आ जाएगी आपके. हाँ वैसे बहुत सारी ऐप्स होंगी, वेबसाइट पे भी होंगी, आप चेक कर लीजिएगा. हाँ या आप लिंक सेंड कर दें, चलो प्ले स्टोर का अगर है तो वो लिंक भेज दें. चलो आईफोन पे अगर नवीद नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप कोई वेबसाइट एक्सप्लोर कर लो. यू मे एक्सप्लोर एनी वेबसाइट. ठीक है, वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको लिंक. ये तो वन टाइम प्रैक्टिस है ना, ये आपने ऐप कौन सी बार बार यूज़ करनी है, ये तो आपकी वन टाइम प्रैक्टिस है ना. तो आप एक दफ़ा किसी वेबसाइट पर जाके आप वहाँ पे जो है उसको जनरेट कर लें वर्ड्स को, और वो आप नोट डाउन कर लें किताब के ऊपर. दैट्स ओनली अ वन टाइम प्रैक्टिस, दैट इज नॉट समथिंग यू हैव टू डू टाइम एंड ओवर अगेन. ये बार बार तो नहीं करना काम. ठीक है, तो एक दफ़ा करने वाला काम है, अगर थोड़ी सी आप वेबसाइट पे भी जाके कर लें तो दैट वुड सफाइस. ठीक है जी, चलें फिर लेट्स कंक्लूड इट फॉर टुडे. नवीद वी कैन डिस्कस ऑन टेलीफोन जो भी आपके कंसर्न्स हैं. ठीक है, इनफैक्ट नॉट ओनली नवीद, अगर आपको कभी भी कोई इशू डिस्कस करना है, स्पेशली कोई काउंसलिंग के हवाले से या कोई पर्सनल मैटर है आपका स्टडी के हवाले से, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट विद मी ऑन अ सेपरेट विंडो. ठीक है, ग्रुप के अंदर हमारी मेजर कम्युनिकेशन जो है वो जेनेरिक होती है, बट आई नेवर रिकमेंड एनी पर्सनल डिस्कशन ऑन द ग्रुप. ठीक है, द ब्यूटिफुल माइंड, द ब्यूटिफुल माइंड. तो ग्रुप जो है उसको आप रखें जेनेरिक डिबेट के लिए. अगर आपके कोई पर्सनल डिस्कशन है, कोई आपकी इशू है, कोई मतलब अगर लेट्स से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो तो ग्रुप पे डालें, लेकिन अगर आपने अपना कोई लेट्स सपोज पर्सनल मैटर डिस्कस करना है पढ़ाई के हवाले से, फिर आप आई रिकमेंड कि आप फिर सेपरेट विंडो पे आ जाए करें. ठीक है,
आप ग्रुप पे डाल दें और वहाँ पे जाहिद है हमारा टीए, ठीक है, आप ग्रुप पे डाल दें और जाहिद को और अलीसा को मार्क कर दें, ठीक है, उनको टैग कर दें, तो दे विल डू समथिंग अबाउट, ठीक, जाहिद आपका टीए है और अलीसा जो है वो कोऑर्डिनेटर है, ठीक, चलें, ग्रेट, लो जी कल मिलते हैं बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जी।